सो हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग यानी कि आपको यहाँ पे लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना और भिन्नों का गुणा। तो आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ भिन्नों का भाग। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अब स्टार्ट करता हूँ। अब इसको 3/4 हो गया, भागे 2/2। अब ये क्या हो गया, इसका होता है पक्षांतर। इसको क्या बोलते हैं, पक्षांतर। पक्षांतर यानी कि रेसिप्रोकल। अब आपको ये ध्यान देना होगा स्टूडेंट कि यदि ये प्लस है तो यदि हम इसको पक्षांतर करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि ये माइनस है तो हम पक्षांतर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। और ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सबसे बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बेस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि सबसे सरलतम रूप में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे गुणा है तो ये भाग हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे भाग है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। अब देखिए 3/4 है, अब ये 2/2 है, भागे 2/2। तो सबसे पहले क्या लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल यानी कि पक्षांतर कर लेंगे। 3/4 हो गया, ठीक। अब इसको गुणा कर लेंगे, अब मतलब 2/2, या ये नीचे वाला करिए, मतलब कि फिर भी ये क्या होगा, सेम ही आएगा। तो क्या हो गया, 2/2 ही आएगा। सिंपल तरीके से यदि आप देखिए, ये पहली विधि आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो 3 का पहाड़ा 2 में करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 3 दुना के 6 हो जाएगा, और 4 दुना के 8 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो हम काट सकते हैं, 2 तिहाई के 6, 2 चौके 8। 3/4 आपका ये ऐसे भी हो सकता है, और चाहे तो स्टूडेंट मैं इसको डायरेक्टली काट सकता हूँ, 2 दुना के 4, 2 1 2। अब देखिए 3 1 3 आपका ये हो गया, फिर 2 दुना के 4। अब आपकी मर्जी, जो आपको सरल लग रहा हो, चाहे ये चाहे, अब दोनों मतलब डिसाइड आपको करना है, ये करना है क्या करना है। चलिए अब स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये थोड़ा उससे क्या यूनिक है, यूनिक यानी कि थोड़ा डिफरेंस है उसके उससे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भाग है, भाग का हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा। तो 4/5 ही रहेगा, क्या रहेगा, 4/5 ही रहेगा। लेकिन जो इसका साइन है, साइन यानी कि ये है जो भाग है, ये क्या हो जाएगा, यहीं पे गुणा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा स्टूडेंट। अब 5 का 5 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 चौके 20, अब 5 1 5, 4/1, ठीक। अब आपको इससे भी और सरल करना है तो 4 में 1 से भाग दे देंगे तो 4 ही आना है। तो 1 चौके 4, 4 से 4 गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया, यानी कि आपका जो उत्तर है वो क्या हो गया, 4। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये तीसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेम काइंड, अब उसी तरीके से ये करना है जिस तरीके से हम पहले वाला किए थे स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, फिर वही 6/5 का यहाँ पर कर दिए, ठीक है। अब रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो फिर क्या होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब जो साइन है, साइन भी तो चेंज होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, ये जो जो भाग का जो डिवीजन का साइन है, ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3/4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर से वही प्रक्रिया देखेंगे, 6/3 क्या हो जाएगा, 18। 6 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, या तो 3 पहाड़ा 6 बार। अब क्या हो जाएगा, ये 18 हो गया, और 5 चौके 20। अब हमको ये ध्यान देना होगा कि दोनों संख्या, ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि दोनों संख्याएं एक ही संख्या से घटे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, तो ये क्या होता है, 2 9 18 हो जा रहा है, और फिर क्या हो जा रहा है, 2 10 में 20, 9/10। अब आप मतलब देख सकते हैं कि और कोई संख्या है तो हमारे हिसाब से नहीं आ रहा है, तो आपका ये क्या हो गया, उत्तर हो गया 9/10। सो स्टूडेंट अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक। अब क्या हो गया, 3/5, हाँ, जितने भी हमने ये सवाल लगाया, थोड़ा इससे क्या यूनिक यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि भिन्न है। अब चलते हैं, 3/4 हो गया, 2/3 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 1/3। अब देखिए 3/ फिर वो है, मतलब कि रेसिप्रोकल यानी कि फिर हम मतलब कि पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो गया, 3/4, ये तो बदलेगा नहीं, फिर ये साइन जो है इसको हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया। फिर ये जो साइन है, फिर साइन चेंज हो जाएगा, 1/3 मतलब 3 है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3/1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3/1 हो गया। अब फिर से हम वही प्रक्रिया करेंगे, देखिए 3 3 के 9, 9 3 के आपका क्या हो गया, 27 हो गया,
4 × 2 = 8, 8 ही क्या, 8, 8 ही हो गया। अब आपको आपको ये संख्या मतलब कि ढूंढना है कि ये दोनों संख्या एक ही संख्या से कट जा रहा है, मतलब कि ये नहीं कट पा रहा है, तो आपका ये क्या हो गया उत्तर। सो सॉरी, अब ये भी ध्यान दीजिए, देखिए ये इस तरीके से जो भी मैंने आपको सवाल बताया ये आपके लिए है, और जो मैंने इस तरीके से बताया ये भी आपके लिए है। हाँ, यदि आपको लगाने में दिक्कत हो रहा हो तो आप में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।